हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और टाइम हो गया है, 2 बज रहा है और अभी मैं सो के उठी हूँ। ऐसे ही होता है हॉस्टल में रहने के बाद, हॉस्टल में जाने के बाद ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है और मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मेरी नींद ऐसे सुबह में इतनी गंदी नींद आती है जैसे जैसे सुबह होते हैं, और रात में पूरी रात मेरा बेड इंतज़ार कर रहा होगा लेकिन नींद आएगी नहीं, आएगी नहीं। पता नहीं इंसोम्निया हो गया है, क्या हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तभी मैं उठी हूँ, अब देखते हैं। उस ब्रेकफास्ट का तो टाइम ख़त्म हो गया है, फिर जाना होगा मिस लंच के लिए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो मैं रेडी हो गई लंच के लिए, तो चलिए आज मैं आपको अपना मेस दिखाती हूँ। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मेस। ये रहा हमारा आज का खाना, जो भी हाय बोलो। ये रहा एरिया बैठने का, ये मेरा फूड है। खाना स्टार्ट करते हैं। देखने में तो पराठा बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने के बाद ही पता चलेगा। यम्मी। तो स्नैक्स में आज था ये आलू टिक्की चाट, अब इसको मज़े से खाएंगे। तो गाइस, बज गए हैं शाम के 7 और मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मेरी पीडिया में पोस्टिंग चल रही है और फिर सुबह में जो है क्लास भी है ऑप्था का, तो फिर उसके लिए भी कुछ पढ़ना है। सर क्या पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड पढ़ के जाना है, तो अभी पढ़ाई करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, खाने का वक्त हो गया है। ये हमारे रात का खाना है। रात के खाने में है रोटी, दाल है। ये दाल किस चीज़ का है? चना का दाल है, कोफ्ते हैं और एक आलू और बैंगन की सब्जी थी। मुझे आलू बैंगन पसंद नहीं है तो मैंने नहीं लिया। चावल मुझे बहुत पसंद है, मैं रात को भी खाना पसंद करती हूँ, क्या दिन में 10 बार भी खाना पसंद करती हूँ। तो ये चावल लिया है और अब मैं जाऊँगी खाने इन लोगों के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।